तो लास्ट डे का ब्लॉग, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। घर वापसी हो रही है, मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। जब आया था तो डरा हुआ था कि कैसे करेंगे अकेले ट्रिप, अब मन नहीं कर रहा, पर कोई सीन नहीं। अभी जा रहा हूँ रोमा टमनी, वहाँ से वापस नेपल्स, और नेपल से मेरी फ़्लाइट है। ज़्यादा कुछ बोलना है, मन नहीं है मेरा बोलने का, तो चलो देखते रहो बस। ये फेंकना है और ये बॉटल। भाई इनका कॉमन एरिया था और इस साइड को किचन, यहाँ पे फर्स्ट वाला। अब इसको भी देखते हैं बायर। दिल नहीं लगाना किसी से, अच्छी जगह थी पर दिल नहीं लगाना, क्योंकि छोड़नी पड़ती हैं चीज़ें। तो ये था मेरा हॉस्टल, इसको भी बाय और चलो। भाई जहाँ से हमने अपनी रोम की जर्नी स्टार्ट की थी, रोमा टर्मनी, वहाँ पहुँच गए हम। अब मेरी ट्रेन है यहाँ से नेपल्स को, और नेपल्स से फ़्लाइट है 5 बजे। अभी बज रहे हैं 10, 10:30 बजे ट्रेन है, वापस निकलते हैं। पर बहुत पसंद आया शहर, बहुत सुंदर है आर्किटेक्चर वाइज भी और ऐसे भी। और कभी मौका फिर से लगेगा तो फिर आऊँगा, ताकि पूरा रोम घूम सकूँ, जो कि इस बार तो नहीं हो पाया, पर जितना घूमा मज़ा आ गया। अब निकलते हैं, छुट्टियाँ भी ख़त्म हो रही हैं अपनी, और घर चलते हैं, बाकी बातें ट्रेन में करें। तो अपना गेट नंबर है 14, उसी की तरफ चल पड़ा हूँ। और बहुत बड़ा टर्मिनल है ये, ऐसा छोटा सा स्टेशन नहीं है, बहुत बड़ा है। तो अपनी ट्रेन लग गई है, ये आज हमने ट्रेन मिस नहीं की और टाइम, मतलब टाइम से पहले। तो अनाउंसमेंट बहुत ज़ोर से है कि अब आवाज़ आ रही है कि नहीं, आवाज़ आ रही है कि नहीं, अनाउंसमेंट बहुत ज़ोर से, पर हम बिल्कुल टाइम पे आज। लास्ट दिन में पूरे रास्ते सोया आया हूँ, इतनी थकावट है, ब्लॉक करने का मन नहीं कर रहा। इस सीट पे बैठा था मैं, किसी ने पेंटिंग की हुई, कुछ भी लिखा पूरे रास्ते, वैसे मैं सोया था पर फिर भी। तो नेपोली की सेंट्रल स्टेशन में फिर से एक बार पहुँच गए, फिर से एक बार इसलिए क्योंकि अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो पहला, क्योंकि जब मैं पहला दिन आया था तो मैं सीधा नेपोली में आया था। तो दूसरा टाइम है मेरा फिर से नेपोली में, मेरी फ़्लाइट यहीं से, बट उससे पहले मुझे कराना है कोविड टेस्ट। तो वो पूछ लेता हूँ कि अगर वो नहीं हो जाता है तो अच्छा है, मैं तो नेपोली एयरपोर्ट पर कराना पड़ेगा। फ़्लाइट मेरी 5 बजे, अभी बज रहे हैं 2। यहाँ पूछते हैं इनसे, जो इन्फॉर्मेशन सेंटर वाले, ये हो रहा है कि यहाँ लेफ्ट में फार्मेसी उसी में हो जाता है, तो बढ़िया है यही करा लेते हैं, कौन एयरपोर्ट पे भी खज्जल होगा। वो सामने दिखी, व्हाट डॉक्यूमेंट? तो कोविड टेस्ट हो गया, इसने बोला 15 मिनट में आके रिपोर्ट ले जाना। बट दिक्कत है कि मेरा आईडी कार्ड रख लिया यार, थोड़ा डर लगता है आईडी कार्ड कोई ले ले आपसे यहाँ का। तो चलो 15 मिनट बाद ले लेंगे इससे। और हाँ, ये बहुत सस्ता था भाई, 20 यूरो में एंटीजन टेस्ट,
मैं कुछ बोलूँ, नीदरलैंड्स के कंपैरिजन में इटली है तो सस्ता, इसकी तो एक कंपैरिजन वीडियो बनती है, ज़रूर बनाऊँगा। इतना सस्ता है ये तो है। पर चलो तब तक वेट करते हैं, वॉशरूम वगैरह जाते हैं और करवा के फिर निकलते हैं नेपल्स एयरपोर्ट और नेपोली एयरपोर्ट। तो भाई साहब रिपोर्ट मिलेगी, बस यहाँ लगी है पर बस के लिए लाइन बहुत ज़्यादा है, देखते हैं अभी क्या बनता है। पर जिसको नहीं पता, जिसने पहले के ब्लॉग्स नहीं देखे हैं, तो ये जो बिल्डिंग है येलो वाली, इसके बैक साइड मेरा होटल था पहले, बिल्कुल सेंट्रल स्टेशन पे। और मैं तो ये बोल रहा हूँ जाके ब्लॉग देखो, और हम लगते हैं यहाँ लाइन में ताकि बस मिल सके टाइम पे। तो इस बस ने यहाँ छोड़ दिया और इस साइड एयरपोर्ट। पर अभी दिक्कत होता क्या है, अभी सिर्फ 2:30 बजे और 2.5 घंटे और हैं। जल्दी आओ तब भी दिक्कत है अपने को, लेट पहुँचो तब तो है ही है, क्या करे ज़िंदगी में। तो मिडिल वेज है ही नहीं कोई, मिडिल का कोई ग्राउंड सा कि हाँ कहाँ खुश रहते हैं, खुश नहीं रहते हम तो, हर चीज़ से दिक्कत। बाकी काम बाद में होता रहेगा, पहले कुछ खा लेते हैं। मैकडी दिख रहा है अपने को, बढ़िया किसी से। तो भाई एक बर्गर फ्राइज और वो पेप्सी वाली मीट ही है, और मस्त इस व्यू के साथ खा रहे हैं। अरे ये नहीं पता है कि कैसे चेक इन करना है अंदर, पर चलो पहले खा लेते हैं फिर देखते हैं। तो भाई प्राइसेस की बात करूँ तो प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है एम्स्टरडम वाले, बट टेस्ट अच्छा है। मसाले यूज़ किए, नमक मिर्च लग रहा था कि थोड़ा है, एम्स्टरडम में सब फीका होता है, यहाँ ठीक था थोड़ा, बढ़िया मतलब कंपेयर टू इंडिया उतना अच्छा तो नहीं, बट ठीक। ये जो अपने हिसाब से रूल बदल देते हैं ना कहीं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी बताता हूँ हुआ क्या है ना, पैसे लगवाए अलग, कुछ लिखते कुछ हैं करते कुछ हैं, लोग नहीं अथॉरिटीज। हो गया भाई चेक इन भी हो गया, सब हो गया, घर आ गए। हम बताता हूँ हुआ क्या, कोविड टेस्ट रिपोर्ट बोली थी, चेक इन ही की किसी ने, अपना तो 20 यूरो का नुकसान, आगे करेंगे तो ठीक है, नहीं तो पक्का ही नुकसान हो गया। पर यहाँ से जो फ्लाइट है उसमें मेरी जो सीट है वो मिडल सीट है, मिस्टर गगनदीप के बदौलत, घटिया किस्मत उसकी, तो कोई सीन नहीं, अभी जब तक यहाँ है तब तक शूट करते हैं, अंदर देखी जाएगी। जब इतना पहला टाइम हो थोड़ी देर चिल किया जाए ना, तो घूम के क्या फायदा, बैठना तब गेट की तरफ तो चल पड़ा हूँ, पर पता नहीं क्यों अभी 25 मिनट है पर अब बैठा भी नहीं जा रहा ना, थक गया बैठ बैठ के भी। गेट नंबर 9, चलो हो गई अनाउंसमेंट। क्योंकि कोई आया नहीं इस सीट पे तो भाई ने हड़प लिया। कोई कोना घूम के आ जाओ,
आपको नीदरलैंड का वेदर ऐसा ही मिलेगा, बारिश हो रही है आज भी यहाँ पे यार। फिर हम क्यों इटली में रो रहे थे कि यार बारिश हो रही है, अपने तो घर में रोज है। चलो एंडोवन एयरपोर्ट के बाहर निकल के, अब यहाँ से नहीं बस और ट्रेन और घर पे, तब सीधा घर जा रहा हूँ। और तो ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने 5 के 5 ब्लॉग देखे मेरे, 6 शायद देखे, नहीं देखे तो देख लो, सीरीज़ पूरी डाल दी है, प्ले लिस्ट में भी डाल दूँगा। और मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और कोविड से सेफ रहो, है ना। हमने भी सेफली ये ट्रिप पूरा कवर कर ही लिया।